हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदरम कुमार, वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड, बीपीएससी से एक बहुत बड़ा अप टू डेट आ रही है कि टीजीटी का जो आज आंसर की आने वाली थी, अब आज नहीं आने वाली है, वो आंसर की अब 27 तारीख को आने वाली है। और जो बोला गया था कि आज के 2-3 दिन बाद पीजीटी का आंसर की आएगी, वो अब 30 तारीख की आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसा एक खबर आ रही है, ठीक है ना। तो इससे विद्यार्थियों का आक्रोश भी है और वो 27 तारीख तक अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो तो आंदोलन किया जाए। ये बच्चे का पूरा हक है। और एक बात मैं ये वीडियो के माध्यम से अवश्य कहूँगा कि अब पूरा ना पूरा ये लग रहा है कि ये आयोग और शिक्षा विभाग का खेल नहीं है, ये राजनीति का खेल है, सरकार का खेल है, वो खेल रही है, ठीक है ना। बच्चे की नौकरी के साथ, बच्चे के भावनाओं के साथ पूर्ण रूप से खेला जा रहा है, ठीक है ना। बीपीएससी हो या आयोग, एक माध्यम बना हुआ है, सरकार को जो मन हो रहा है वो कर रहा है। जो 4 दिन में बीपीएससी रिजल्ट देने का बात करता है, वो बीपीएससी 2 महीना में फाइनल आंसर की नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं तो सवाल लाजमी है स्टूडेंट के मन में। जो शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 महीना के बीच में करा सकता है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है। उसका एक ही मकसद है, सरकार का दबाव है कि आप जैसे तैसे बहाली करिए, फिर बाद में छांटेंगे, फिर इसी से 40% सीट निकालेंगे, अगले वैकेंसी में जोड़ेंगे। और ये सतत प्रक्रिया चलने वाली है, ठीक है ना। TR5 तक चलेगा, जब तक विधानसभा चुनाव नहीं होगी तब तक में भी चल सकता है। इसमें आयोग की गलती नहीं है, सरकार की नाकामी है इसमें, और सरकार युवाओं के साथ खेल रही है, हम यही कह सकते हैं, इसके सिवा और क्या कह सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। और कुछ आप करिएगा तो हम जानते ही क्या होती है। तो मैं बस यही कहूँगा कि ये बच्चों के साथ नासाफी हो रही है, जल्दी से जल्दी रोस्टर क्लियर होना चाहिए और जल्दी से जल्दी रिजल्ट आनी चाहिए। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट में आप वापस लिखिएगा। थैंक यू।